नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं रिफ़ंड आपको कैसे मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो फॉर्म फिलअप करते समय 500 रुपीज़ जो लगा था, वो कैसे रिफ़ंड होगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। रिफ़ंड फ़ी लिंक एक्टिव हो गया है और मोडिफिकेशन बैंक का जो मोडिफिकेशन है वो आपको करना होगा, और इन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा वो डिटेल्स भी हम इस वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं। रिफ़ंड संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो आप वीडियो पे पूरे बने रहें। एक चीज़ बोलना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आपको पूरी जानकारी बता देते हैं दोस्तों। देख लेंगे रेलवे ग्रुप डी 2018 रिफ़ंड प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जो है सीधे आपके बैंक खाते में पैसा जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे, और क्या क्या करने होंगे वो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी रेलवे 2018 रिक्रूटमेंट फी रिफंड रेलवे भर्ती बोर्ड ने शाम 6 बजे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा रिक्रूटमेंट का फीस रिफंड शुरू कर दी, ठीक है। रेलवे अधिकारी नोटिस के अनुसार रिफंड उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो आरआरबी सीबीटी में एग्ज़ाम में उपस्थित हुए थे, शामिल हुए थे, ठीक है, उन्हीं को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो लोग फॉर्म फिलअप किए थे, पैसा लगा था, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं दिए थे, सीबीटी में नहीं गए थे, सीबीटी नहीं दिए थे, उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। फीस सीधे उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाएगी। बता दें कि आपको ग्रुप डी सीबीटी के लिए टेस्ट 17 सितंबर से 17 दिसंबर तक चली थी, ठीक है। क्या क्या ध्यान देना होगा, ध्यान रहे कि गलत अकाउंट खाता नंबर और नंबर गलत दिया हुआ है, आईएफएससी कोड देने वाले उम्मीदवार फीस रिफंड नहीं पाएंगे। उसी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मोडिफिकेशन लिंक एक जो है एक्टिव हो जाएगा, थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा। उस पर आप जाके पूरा डिटेल्स में आप अपना डिटेल्स लिख देंगे, आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे, आईएफएससी कोड नंबर लिखेंगे, और आपका बैंक का डिटेल भी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, बहुत से उम्मीदवार एक ही अकाउंट नंबर होने की स्थिति में रिफ़ंड फीस नहीं कर सकेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड आज शाम 6 बजे उम्मीदवारों को डिटेल मौका देगा, अपनी जो है दोबारा फिलअप करने के लिए, जो मैं आपको अभी बताया, दोबारा देने के लिए आपको ये एक मौका देगा, एक लिंक देगा, जिससे आप अपना बैंक का ये जो है सुधार कर सकते हैं दोबारा के लिए, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ और भी डिटेल्स में, देख लीजिए। दोस्तों इसके लिए रेलवे 22/2/2019 से लेकर 28/3/2019 तक लिंक एक्टिव रखेगा। ये जो लिंक एक्टिव रहेगा बैंक मॉडिफिकेशन के लिए, ये 22/3 से लेकर 28/3 तक ही रहेगा। इसके अंदर आपका जो भी बैंक का डिटेल्स जो आप गलत फिल कर दिए थे उसको आपको सही कर लेना होगा, ठीक है। और अंतिम तिथि 28 मार्च तक होगी, बैंक डिटेल्स सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 मार्च होगी, ठीक है ना। तो ये 28 मार्च है, उससे पहले ही आपको कर लेना है, नहीं तो ये आपका पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और भी देख लेते हैं। बता दें कि करीब 1.18 करोड़ उम्मीदवारों ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सीबीटी टेस्ट में गए थे। 1.8 लाख उम्मीदवार सीबीटी परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। बता दें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने एलपी टेक्निशियल पदों के लिए आयोजित परीक्षा के नतीजे जारी करने के बाद फीस रिफंड करना शुरू कर दिया था। इसके लिए रीजनल वेबसाइट पे आवेदन करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये जो है आपको डिटेल्स कैसा लगा, पूरा डिटेल्स, और भी अगर प्रॉब्लम हो रहा आप अपना रीजनल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर जाके देखेंगे, सेंड टू 2018 का लिंक जो है 6 बजे शाम को, मतलब कुछ ही देर में एक्टिव हो जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके आपका पूरा मॉडिफिकेशन बैंक का जो भी मॉडिफिकेशन है पूरा डिटेल ध्यान से फिलअप कर लेंगे, पैसा जो है आपका ऑटोमेटिकली बैंक में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।